हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोगों का बायोलॉजी का स्टडी बहुत अच्छी तरीके से हो चुका है। थोड़ा सा और इसके अंदर मैं इंपॉर्टेंट ऐड करने वाला हूँ, जो है डायग्राम। हम लोग इस वीडियो में डायग्राम के बारे में बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जो आप लोगों को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जाना है। बिकॉज हम सब लोगों को पता है कि डायग्राम तो आने ही वाला है, बायोलॉजी का एग्जामिनेशन है, तो डायग्राम पीछे नहीं रहने वाला, डायग्राम गारंटी आएगा। और एक डायग्राम नहीं आएगा, एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा डायग्राम आने वाले। तो कौन से इंपॉर्टेंट डायग्राम होने वाले हैं, ये हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सब लोगों को जितने यहाँ पे मैं डायग्राम बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, सारे के सारे डायग्राम अलॉन्ग विथ प्रॉपर लेबलिंग आप लोगों को करके जाना है। और इस डायग्राम की वजह से आपका मार्क्स जो है बूस्ट अप होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, जितने भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ डायग्राम, सारे डायग्राम को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट अस बिगिन। तो सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारे मैंने इंपॉर्टेंट डायग्राम चूज़ किए हैं, अलग अलग रिपीटेड क्वेश्चन पेपर से मैंने निकाले हैं, जो कि क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। पिछले क्वेश्चन पेपर जितने बार एग्जामिनेशन हुआ है, जितने सालों से हो रहा है, बहुत बार पूछे गए ये सारे डायग्राम। तो इसको आपको प्रिपेयर करना ही है। पॉलन ग्रेन ऑफ द एंजियोस्पर्म, देन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द लीफ शोइंग क्रैंस एनाटॉमी, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो करके जाना है। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, ये भी बहुत बार पूछे गए हैं पिछले एग्जामिनेशन में, तो ये भी आपको स्किप नहीं करना, अच्छे से कर लो। एग्रेन्यूलोसाइट्स भी आप लोगों को करना है। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम इंपॉर्टेंट है। मैल्फीजियन बॉडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे को आप अच्छी तरीके से अलॉन्ग विथ लेबलिंग आपको प्रैक्टिस करना है। बार बार बोल रहा हूँ, लेबलिंग करना नहीं भूलना है, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बारीकी से इसको प्रैक्टिस कर लो। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे थायरॉयड ग्लैंड, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट डायग्राम है, थायरॉयड ग्लैंड कर लो अच्छे से। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट, इसको तो मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल के चल रहा हूँ, इसको आपको करके ही जाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, कंडक्टिंग सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, सब एक ही अच्छे से कर लेना। रेप्लिकेशन ऑफ यूकैरियोट डीएनए, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, जो भी एग्जाम हुए इसमें बहुत बार ये पूछा गया है। स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बहुत बार पूछा गया, तो ये भी आपको करना है। रूट हेयर, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, रूट हेयर भी आप लोगों को करके जाना है, बहुत अच्छी तरीके से। लेबलिंग भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। रिफ्लेक्स आर्क, टीएस ऑफ एंथर, एनेट्रोपस ओविलियस, सारे जितने भी आप लोगों को दिख रहे हैं सारे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जाना है। आगे बढ़ते हैं, टीएस ऑफ टेस्टिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, न्यूक्लोसोम, पिट्यूटरी ग्लैंड, बायोगैस प्लांट, स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, सैगिटल ब्रेन के बारे में। तो जितने डायग्राम यहाँ पे हमने डिस्कस किए, सारे के सारे डायग्राम को आपको बहुत अच्छे से करके जाना। इवन आपको चाहिए तो इसके अंदर स्टोमेटा का स्ट्रक्चर, वेन का, लीफ का भी स्ट्रक्चर आप ऐड कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और थियरी की जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए थे, वो भी क्वेश्चन को कर लो। और याद रखना, रूट हेयर के क्वेश्चन को और ह्यूमन हार्ट के क्वेश्चन को कंपलसरी है, 101% है, आपको करके ही जाना है। तो आई होप कि जितने यहाँ पे मैंने डिस्कस किए हैं डायग्राम, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये आप लोग करोगे, अच्छे से प्रिपेयर कर लो अलॉन्ग विथ लेबलिंग। तो आई होप कि आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लोगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, हैव वंडरफुल डे, थैंक यू वेरी मच।